विवाह की वेदी है जिस पर यह समझाया जाता था कि तुम्हें घर में कैसे रहना है। एक एक प्रक्रिया मैंने कल चर्चा की थी, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके कहते हैं हम दोनों के तन तो दो होंगे पर मन मन एक होगा। पत्थर पर पैर रखवाया जाता है और पत्थर पर पैर रख करके भाई रखवाता है पत्थर के ऊपर पैर। आहा, ये जो व्यवस्था है ना, ये जो प्रक्रिया है, ये मेरी ही संस्कृति में है, इस वैदिक संस्कृति में ही है, जहां भैया बहन से कहता है बहना इस पत्थर की तरह से अडिग रहना, तू कभी इन इन ये जो संकल्प लिए हैं ना तूने, मेरी बहन इन संकल्पों को तोड़ना मत, क्योंकि तेरे साथ में तेरे भैया का सम्मान भी जुड़ा हुआ है। मेरी बहन कहीं संकल्प टूटा तो तेरा भैया भी प्रभावित होगा, तेरा भैया भी प्रभावित होगा। और देख तो जब जब घर आएगी ना, तो मैं तुझे ये वचन देता हूँ, मैं तुझे ये वादा करता हूँ, आज जैसे तेरी अंजलि को इन खिलों से भर रहा हूँ, खिलों से भरते हैं ना, आहुतियां दी जाती हैं, देख मैं तुझसे वादा करता हूँ तो जब जब भी मेरे घर आएगी कोई कसर तुझे देने में छोड़ूंगा नहीं, तेरी अंजलि को हमेशा भरता रहेगा तेरा भैया, तेरी अंजलि को हमेशा भरता रहेगा तेरा भैया। सप्तपदी का सातवां पग रखते हुए कहा सखे सप्तपदी भव। एक बार मुझे याद है यहाँ ईश्वर जी ने एक वेदायन का कार्यक्रम करवाया था किसी हॉल में, बड़ा कार्यक्रम था वो, आचार्य वागीश जी आए थे उसमें, और उस कार्यक्रम का शीर्षक रखा था उन्होंने नए घर के दो पंछी, याद है ना बहन जी आपको। उसमें बहुत सारे नए जोड़ों को बुलाया गया था और उसमें आचार्य वागीश जी ने एक बात पूछी थी लोगों से, यदि पति और पत्नी में ये पूछा जाए कि बड़ा कौन है, तो उन्होंने कहा था उत्तर मन में ही सोच लेना क्या आ रहा है आपके। अक्सर होता ये है कि यदि ये पूछा जाए बताओ पति और पत्नी में कौन बड़ा है, तो ये पुरुष वर्ग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि पत्नी बड़ी है, कोई उदार किसी की बात में कहता नहीं है, लेकिन माताएं उदारता दिखाते हुए कह देती हैं बड़े पति देव जी हैं, हम तो कोई बात नहीं छोटे ही सही छोटे ही हैं। पर ध्यान दीजिएगा यहाँ जो ये सातवां पग रखा गया है सखे सप्तपदी भव, हम मित्र भाव से ये सातवां पग रख रहे हैं, और मित्रों में ना कोई छोटा होता है और ना कोई बड़ा होता है। सखे सप्तपदी भव, बड़े सुंदर सुंदर उपदेश इस वैदिक विवाह में छिपे हुए हैं। कोई गृहस्थी इनको समझ करके जीवन में आत्मसात कर ले तो मैं लिख करके देने को तैयार हूं, स्टैंप पर लिखवा लो मुझसे, वो घर स्वर्ग बन जाएगा। कहीं आकाश में नहीं है स्वर्ग, लोग ऊपर ढूंढ रहे हैं कहीं कहां है स्वर्ग, बोले ऊपर। कहीं ऊपर स्वर्ग नहीं है, आकाश में नहीं है, स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भ्रम में भटकी हुई है दुनिया, वो घर है स्वर्ग जहां पर होती है मधुर वाणी, होती है मधुर वाणी, जहां पति और पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वही घर स्वर्ग है। कहीं कोई दुनिया अलग से स्वर्ग की नहीं है। दोनों देवी और देवता बनकर के जहां रहते हैं, आपने सुना होगा ना कि स्वर्ग में कौन रहते हैं, स्वर्ग में देवता निवास करते हैं। पर मैं कई बार कहता हूं ये पंक्तियां
कि स्वर्ग के अंदर रही देवता सब जगवाले कहते हैं, वहीं स्वर्ग बन जाता है जिस जगह देवता रहते हैं, जिस जगह देवता रहते हैं, जिस जगह देवता रहते हैं। बाहर तलाश करने मत जाना स्वर्ग को, अपने आप को देव बनाने की कोशिश करना, अपने आप को देवी बनाने की कोशिश करना, तो मेरी बहन तेरा घर ही स्वर्ग बन जाएगा, तेरा घर ही स्वर्ग बन जाएगा। माताओं बहनों धर्म प्रेमी बंधु, कई दिनों तक बारात मिथिला में रुकी रही। पहले जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, क्यों जी कई कई दिन रुकती थी ना बारात, कई कई दिन रुकती थी, कई दिनों तक रुकी रही बारात। और फिर जब विदाई का समय आ पहुंचा है, महाराज दशरथ ने विदेहराज जनक से निवेदन किया, हे विदेहराज अब मुझे अयोध्या वापस लौटना ही होगा, जाना ही होगा अयोध्या। जाना नहीं चाहते राजा दशरथ भी, पर चूंकि अयोध्या में भी तो कर्तव्य कर्म है ना, जाना होगा अयोध्या, मुझे लौटना होगा। विदाई का समय आ गया है। देखो ये समय ऐसा समय है जब खुशी और गम दोनों एक साथ घट रहे होते हैं। खुशी तो इस बात की होती है कि एक योग्य वर के हाथों में अपनी बिटिया का हाथ सौंप दिया है, ये पितृकुल को छोड़कर पतिकुल में जाकर के फले फूलेगी। लेकिन गम इस बात का भी होता है, जिन किलकारियों से घर आंगन गुंजा करता था, अब वो किलकारियां घर आंगन में नहीं गूंजेंगी, घर सुना सुना सा हो जाएगा बिटिया के जाने के बाद। महारानी सुनैना की आंखों से झरझर 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 आंसू बह रहे हैं। सखी सहेलियां समझा रही हैं, महारानी धैर्य को धारण करो, इतना रोगी तो वैदेही को विदा कैसे कर पाओगी, वैदेही को कैसे समझा पाओगी। ओहो भगवती सीता जब मां के हृदय से लगी, फफक करके रो पड़ी, समझा रही है अपनी मां को, जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी कह रही है कि मैं गुड़िया तेरे आंगन के जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, तेरे आंगन की। और यूं बोली वैदेही, मां तू रो मत, रो मत मां, ए मेरी मां तू क्यों रोती है, बेटी पराया
धन होती है। ए मेरी मात क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ए मेरी मात क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। राजा की हो चाहे निर्धन की, मैं चिड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। चले है कहाँ रे मेरी डोली उठा कर, कर दो विदा मैया शगुन गीत गा कर। चले है कहाँ रे मेरी डोली उठा कर, कर दो विदा मैया शगुन गीत गा कर। चले हैं कहाँ रे मेरी डोली उठा कर, कर दो विदा मैया शगुन गीत गा कर। तुमको कसम मेरे, तुमको कसम मेरे असुवन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन के, मैं गुड़िया तेरे आंगन के, मैं गुड़िया तेरे आंगन के। समझा रही है माँ, बेटी तो पराया धन होती है, एक ना एक दिन इसे तो जाना ही होता है। और कहती है कोई मेरे बाबुल को बुला दे, कोई मेरे पिता विदेहराज जनक को बुला दो। अपने पिता की परम पहेली बचपन में सखियों संग खेली, अपने पिता की परम सहेली बचपन में सखियों संग खेली, अपने पिता की परम सहेली बचपन में सखियों संग खेली। याद भुलाना, याद भुलाना, याद भुलाना मेरे बचपन के, मैं गुड़िया तेरे आंगन के, मैं चिड़िया तेरे आंगन के, मैं चिड़िया तेरे आंगन की। कोई कह दो मेरे बाबुल से, बाबुल माँ की दीर बंगाओ, रो रो कर
मत हम कर लाओ बाबुल माँ की तीर बताओ रो रो कर मत हम कर लाओ तुमका कसम तुमका कसम मेरे आसुवन के मैं चिड़िया तेरे आंगन के मैं चिड़िया तेरे आंगन के मैं चिड़िया तेरे आंगन के मैं गुड़िया तेरे आंगन के मैं गुड़िया तेरे आंगन की।